झुंझुनू के भाजपा नेताओं ने न केवल राज्य सरकार पर बल्कि स्थानीय प्रशासन पर भी कोरोना काल में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। आज भाजपा कार्यालय में सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक सुभाष पुनिया तथा भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावड़िया ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए काफी समय पहले पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन सरकार की मंशा में खोट और झुंझुनू प्रशासन की लापरवाही में अब तक यह पैसा खर्च नहीं हो पाया, जिसके कारण ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जान जा रही है। सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन विडंबना है कि जिस वक्त ये इंजेक्शन चाहिए उस वक्त कमेटी के लोग बैठकों में व्यस्त रहते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं या फिर मरीज की मौत हो जाती है, उसके बाद इस इंजेक्शन देने वाली कमेटी को होश आता है, जो सही नहीं है। वहीं जिलाध्यक्ष पवन मावड़िया ने आरोप लगाया कि झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान कागजों में कंटेनमेंट जोन बना रही है, कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद भी उस इलाके की कोई सुध नहीं लेता है। आज कोरोना संक्रमण जो राज्य सरकार द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही है, इनकी प्रेस इसके बारे में प्रवेश रखी गई। सबसे पहले बड़ा मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार ने बहुत पहले राशि भेज दी थी। अब राज्य सरकार ने उन प्लांटों को चालू नहीं किया, इसलिए ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि बार बार आता है कि ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार पूर्ति नहीं कर रही, राज्य सरकार पूर्ति नहीं कर रही, उसका प्लांट नहीं लगना ही सबसे बड़ा कारण है। वो किस कारण से नहीं लगा, कि कोरोना समाप्त हो गया या तो, या उनकी किस कारण से क्या लापरवाही रही, वो तो राज्य सरकार जाने। अभी अभी काम कोरोना संक्रमण फैलने के बाद उनका काम शुरू हुआ है, जिनका अभी भी मेरे हिसाब से महीना लगेगा, किसी में 15 दिन लगेंगे। और राज्य सरकार द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि हम ऑक्सीजन का प्लांट वहाँ लगा रहे हैं, इतने पीएससी पर लगा रहे हैं, इतने सीएससी पर लगा रहे हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, अभी तक पेशेंटों को इस तरह की कोई सुविधाएँ नहीं मिली हैं। अभी हमारे विधायक जी भी कह रहे थे, उन्होंने अपने कोष की राशि दे दी, सभी विधायकों ने दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, बजट केंद्र राज्य सरकार का है, सब ने दे दिया, लेकिन अभी तक वो राशि या वो उपकरण, वो सामग्री अभी तक मरीजों को नहीं मिली। कोरोना संक्रमण से जो पीड़ित हैं उनको अभी तक उनकी कोई सुविधा ही नहीं मिली है। ऐसी महामारी में दो ऐसी होती आपदा होती हैं, एक तो युद्ध और एक ये प्राकृतिक आपदा। इसमें ये देखा नहीं जाता, पहले के प्रोसीजर काम में नहीं लिया जाता कि सीएस निकालेंगे, पीएस निकालेंगे, वो जारी होगा, टेंडर होगा, नहीं। ये तो तुरंत जब पैसे दे दिए, राज्य सरकार के पैसे हैं और मेरे हिसाब से राज्य सरकार के आदेश भी हैं, इसमें प्रशासक इनको लापरवाही बरती जा रही है। जैसे आमतौर पर जो काम कर रहे थे वैसे ही इस राशि को, कोरोना संक्रमण में जो राशि दी है उसको इसी हिसाब से काम में ले रहे हैं। अभी तक के विधायकों द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी राशि दी गई है ऐसा लोगों के लिए या संक्रमण को बचाने के लिए, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। ये प्रशासन की कमी है या राज्य सरकार की कमी है, इस और इस पर ध्यान दें कि ये पैसे तुरंत लगे और परिजनों को या संक्रमण में पीड़ित लोगों को इसको सहायता मिले। अब गाँव में इतने ट्यूबवेल पास हुए हैं, 6-6 महीने, 8-8, 10-10 महीने होंगे, वो ट्यूबवेल अभी तक बोरिंग नहीं हुए हैं। कल ही 2 महीने पहले किसी का व्यक्तिगत प्रभाव ज़्यादा होगा, 2 महीने पहले बोरिंग पास हुआ, वो उसका बोरिंग हो गया, जबकि नियम ये है कि जो पहले बोरिंग पास हुआ वो पहले होना चाहिए। अब कोई कभी कहते हैं ठेकेदारों कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं मैं साइड नहीं दे रहे, वो आई एन देगा, एक्शन देगा, जी एन देगा। एस सी साहब को मैंने फ़ोन करके 2 बार कहा है, मैंने कलेक्टर साहब से मिला हूँ, एस सी साहब को बुलाया भी और वहाँ भी उनको लिए कहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा यही है कि प्रशासन से कोरोना संक्रमण की बीमारी के साथ साथ अन्य सुविधाएं हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जो लॉकडाउन था पिछली बार, जो लॉकडाउन था इस बार जो लॉकडाउन है उसमें दिन रात का फर्क है। ये कड़ी तोड़ने के लिए लॉकडाउन को सख्ताई से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग असुविधा तो हो ही रही है, तो इसको थोड़ा सा और सख्ताई से लें तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण चला जाएगा। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना कराऊँ कि विश्व से कोरोना संक्रमण समाप्त हो, हम सब स्वस्थ रहें, एक दूसरे को स्वस्थ रहें और ऐसा लोगों की हम पीड़ा सहयोग करें। आपको क्या लगता है, क्या कड़ी तोड़नी हो तो इसका इलाज पहला है कड़ी तोड़ना। दवाई ये सब सहायक हैं, ऑक्सीजन सहायक है, ये पीड़ा हो क्यों रही है, एक दूसरे के द्वारा लग रही है। ब्याह शादी में फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो गई, इसलिए गाँव में फैल गया। गाँव ने लापरवाही इसलिए कर दी कि पहले जब चरण आया था संक्रमण का उस समय गाँव में नहीं फैला था, कि ब्याह शादियाँ उसी हिसाब से करने लगे जैसे आमतौर पर पहले कर रहे थे। अब गाँव में ये फैला है कि कड़ी निश्चित रूप से टूटी है और मुझे विश्वास भी है कि 10-15 रोज के अंदर ही कोरोना संक्रमण निश्चित रूप से कमी आएगी और सुधार भी होगा। लेकिन प्रशासक और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम इस पर हैं वो तुरंत चालू करें। हमने सुना है कि सीटी स्कोर जिस पेशेंट का 14 से ऊपर आता है उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए जिला स्तर के ऊपर एक कमेटी बना रखी है। उस कमेटी से पेशेंट्स के जो भी अटेंडेंट हैं
जब संपर्क करने जाते हैं तब ज्यादातर उस कमेटी के लोग मीटिंग में मिलते हैं, और यहां तक बताया उन्होंने, हमने जब संपर्क किया कि सात सात आठ आठ घंटे मीटिंग पर मीटिंग चलती रहती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस तरह की मीटिंग के लिए या तो किसी और को अधिकृत किया जाए, या फिर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए जो कमेटी बना रखी है, जो जिन लोगों के पास मीटिंग का काम नहीं है उन लोगों को अधिकृत किया जाए, ताकि जो पीड़ित हैं जो इस कोरोना महामारी से, उन पेशेंट्स को लाभ मिल सके। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में झुंझुनू जिले का जो प्रशासन है, मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो सिर्फ कागजों में इलाज कर रहा है, कागजों में काम कर रहा है, कागजों में दवाई बांट रहे हैं, कागजों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस से निकलकर जहां कोई भी जैसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, वहां आज तक कोई अधिकारी गया हो तो मुझे बताएं। कंटेनमेंट जोन सिर्फ कागजों में घोषित करते हैं, अखबारों में न्यूज़ देते हैं, कहीं भी कोई अधिकारी वहां लोगों को जागृत करने के लिए, वहां लोगों को रोकने के लिए कोई पुलिस की व्यवस्था की गई हो तो बताएं। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो खुद का गांव है उसको भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया, लेकिन कागजों में किया, वहां कोई भी आदमी, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी, कोई भी चिकित्सा विभाग का कोई भी आदमी नहीं गया। और स्थिति ये है कि ये दावा कर रहे हैं कि POC और CSC में हम कोरोना का इलाज करेंगे, जबकि धरातल की स्थिति ये है कि जहाँ कहीं भी जिस गांव में कोई भी कोविड के पेशेंट पॉजिटिव आते हैं वहाँ पैरासीटामोल की टेबलेट भी नहीं पहुँचा सकते। सिर्फ इतना ही काम है कि वहाँ से आपके जो PSC CSC लगती है वहाँ से एक टेलीफोन आएगा कि आप अपने आधार के नंबर दे दीजिए, बस वो नोट करवा देते हैं। उसके बाद में कहीं भी एक टेबलेट पैरासीटामोल की पहुँचाई हो तो प्रशासन बता सकता है। बात कही रेमडेसिविर और इसके विषय में, इसके विषय में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि CT का स्कोर जब किसी पेशेंट का 14 आ जाता है तब ये रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसको स्वीकृति के लिए जारी करते हैं, उसको लगाने की स्वीकृति देते हैं। लेकिन जबकि वास्तविक स्थिति ये है, अगर आप इसकी गहनता से अगर इसकी जांच करोगे या इनसे जानकारी लोगे हेल्थ डिपार्टमेंट से, 14 का CT स्कोर जिसका आ गया और जिन जिन को इस स्थिति में रेमडेसिविर दिए गए उनमें से 20% पेशेंट भी नहीं बचे हैं, रिकवर नहीं हुए हैं। तो मेरी ये मांग है कि आप उसके एकदम उस स्थिति का चिकित्सा विभाग इंतजार नहीं करे कि वो वापस रिकवर न हो, ऐसी स्थिति में आ जाए उसके बाद उसको रेमडेसिविर दिए जाएं। CT स्कोर 6 के आसपास आते ही वो खतरनाक हो जाता है, इसलिए उसी स्थिति में रेमडेसिविर जारी कर देने चाहिए, मेरा ये कहना है।